हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा के बारे में चर्चा करेंगे। ये बिहार दरोगा विज्ञापन संख्या 01/2019 का है। इसका पीटी और मेंस और फिजिकल सब चीज़ हो चुका है। इसमें क्या हुआ था कि एक तारीख और 8वां महीना को एक नोटिस आया था, जिसमें मार्क दिखाया गया था, नंबर आप लोग पीटी मेंस का इसमें सबका नंबर दिखाया गया था। इसमें बहुत सा कैंडिडेट का कहना था कि सर मेरा मार्क ज़्यादा है, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, कट ऑफ से मेरा मार्क ज़्यादा है। बहुत से लोगों ने इस पर ऑफिस में जाकर SSC ऑफिस में जाकर उसने आवेदन किया था कि सर मेरा मार्क ज़्यादा है, फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो इसी के देखते हुए ये आयोग ने एक नोटिस जारी किया है आज का डेट में। इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार पटना द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक परिचारी सहायक अधीक्षक द्वारा एवं सहायक अधीक्षक कारा की 2446 रिक्तियों के विरुद्ध जारी किया गया विज्ञापन संख्या 01/2019 के आलोक में आयोजित कराई गई संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक जांच परीक्षा के उपरांत अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थी की सूची 17/6 को प्रकाशित की गई थी। मतलब पीटी और मेंस उसके बाद फिजिकल होने के बाद अंतिम रूप से यानी मेरिट लिस्ट दे दिया था 17/6/2021 के की गई थी। उसके बाद बताया गया है कि उप विज्ञापन के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी प्रतांग आयोग की वेबसाइट पर यानी नंबर जो देख सकते थे वो वेबसाइट पर 1/8/2021 को उपलब्ध करा दिया गया था। अपना नंबर चेक कर सकते थे पीटी और मेंस का 1/8/2021 को। उसके बाद बोला गया है कि प्रतांग प्रकाशित होने के बाद कुछ अभ्यर्थी के द्वारा आयोग में अपना आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनका प्रतांग उनका नंबर कटऑफ से अधिक है, फिर भी उनका चयन नहीं हुआ और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। ऑफिस में जाकर उसने आवेदन किया कि सर मेरा नंबर ज़्यादा है, फिर भी क्यों नहीं हुआ। तो देखिए आयोग का क्या कहना है, बोल रहा है कि इन अभ्यर्थियों को मार्कशीट के रिमार्क कॉलम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नो सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ PSI ASJ, अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ सर्जेंट। इसका अर्थ है कि इन अभ्यर्थियों का प्रतांक यानी नंबर पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक कारा के पद पर चयनित अभ्यर्थी से कम है, इसलिए इनका चयन इन दोनों पदों में नहीं हुआ है। साथ ही ये अभ्यर्थी सर्जेंट की शारीरिक दक्षता में फेल है, इसलिए उनका चयन सर्जेंट के पद पर भी नहीं हुआ है। मतलब इसका मतलब है कि पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक अधीक्षक कारा के पद के लिए कटअप उतना नहीं है और सर्जेंट में कटअप है, लेकिन वो फिजिकल में फेल हो गया है, तो इसलिए उसको देखिए इसका चयन सर्जेंट के पद पर नहीं हुआ है जो शारीरिक दक्षता में फेल है। इन अभ्यर्थी का प्रतांक कटअप से अधिक है, लेकिन ये सभी सर्जन के लिए दक्षता परीक्षा में फेल है। ऐसे कुल 2341 अभ्यर्थी है जिनका प्रतांक कटऑफ से अधिक है। उसके बाद देखिए लास्ट बोला गया है कि उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें नियमानुसार मात्र एक ही कटऑफ दिया गया है जो न्यूनतम होगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कटअप नहीं दिया गया है जाता है बोल रहा है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कटअप नहीं दिया जाता है। देखिए इसका मतलब ये है, जैसे कटअप उसमें दिया गया था तो वो दिया था सर्जेंट के लिए दिया गया था। और इसका मैं बोल रहा है कि PSI और ASJ यानी पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक अधीक्षक कारा के पद पर चयन अभ्यर्थी से कम है, ये दोनों का कटअप जो है उसका कम था, इसका लेकिन कटअप नहीं दिया गया है, सिर्फ इसका कटअप दिया गया है। और इसमें भी देखिए बोला गया है
कि देखिए चयनित अभ्यर्थी से कम है, इसका चयन इन दोनों पदों पर नहीं हुआ, इन दोनों को पद पर नहीं हुआ है क्योंकि इसका कट ऑफ उससे ज़्यादा आया था, इसका कट ऑफ नहीं दिया गया है, बाकी जो कट ऑफ दिया गया था। साथ ही ये अभ्यर्थी सर्जेंट की दक्षता परीक्षा में फेल है, इसीलिए इनका चयन सर्जेंट के पद पर भी नहीं हुआ है, पद पर भी नहीं हुआ है, मतलब इसलिए वहाँ इसका भी नहीं हुआ, को ज़्यादा नंबर है लेकिन वह सर्जेंट में फेल है, इसलिए ये सिर्फ सर्जेंट का कटअप दिया गया था, बाकी ये दोनों का कटअप नहीं दिया गया था। यहाँ साफ सब लिख दिया है कि अलग अलग पदों के लिए अलग कटअप नहीं दिया जाता है, नियमानुसार मात्र एक ही कटअप दिया जाता है जो न्यूनतम होता है, जो सबसे कम होता है वही कटअप दिया जाता है, अलग अलग पदों के लिए कटअप नहीं दिया जाता है, इसमें यही दिया गया था। तो इससे आपसे देखिए नंबर बताया है तो उसमें क्या फ़ायदा, कुछ नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि जब न्यूनतम उसमें सब आदमी फिर भी कन्फ्यूज है नंबर आने के बाद भी, इसलिए कटअप तीनों का देना चाहिए था, जो जो भी हाई कटअप है उसमें बताया, पूरा डिटेल से बताया जाना चाहिए था कि किसमें वो फेल है, इसमें सिर्फ न्यूनतम वाला क्यों कटअप बताया। सबसे इससे अच्छा है कि आप देखिए यहाँ दिया गया है कि मात्र एक ही कटअप दिया गया जो न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम के जगह पर जो हाई कटअप गया उसी का सिर्फ दे देता है कटअप, तो ये सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन दूर हो जाता, लेकिन इसने सिर्फ दिया है जो न्यूनतम कटअप है वही दिया है, इसलिए ज़्यादा जब नंबर आया तो लोग जाकर ऑफिस में जाकर अपना एप्लीकेशन लिख के दिए थे कि सर मेरा ज़्यादा कटअप है इसलिए क्यों नहीं हुआ, तो ये न्यूनतम कटअप उसमें दिया था, हाई कटअप वाला रिजल्ट मतलब कटअप नहीं बताया था उसमें, इसमें लिखा गया कि अलग अलग पदों के लिए कटअप नहीं दिया जाता है। तो यही था, तो आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।